हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है इस डीए की क्लास में। ये जो टॉपिक है ये बार ग्राफ की है, ठीक है। टाइप फोर, आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप फोर। आप लोग ये सोचते होंगे ये कुछ बोलता नहीं है स्टार्टिंग में और डायरेक्ट शुरू हो जाता है। चलो काम से मतलब रखो भाई, लिखो टाइप फोर, हेडिंग डालो टाइप फोर, लिखो बार ग्राफ, सॉरी टेबुलेशन। बार ग्राफ तो हो गया पिछले वाले वीडियो में, अब हेडिंग डालो टेबुलेशन। आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जून 2016 में आया था ये। बार ग्राफ गलती से लिख दिया था। चलो देखो आप क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है ना बहुत नॉर्मल आता है। आप अच्छा से अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो पूरे में पूरे बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी आता है एग्ज़ाम में आपकी, वो आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बेसिक। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशतता से कम है। तो ये आपका टेबल है, ठीक है। ये दो कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दिखाया है, ठीक है। कंपनी ए है और कंपनी बी है, दो कंपनी दे रखा है। कंपनी ए का लाभ का प्रतिशत, कंपनी बी का लाभ का प्रतिशत, दो बात किया है। इधर लिखा ईयर, वर्ष लिखा है, वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ये दिखाया है इसमें। अब देखो कंपनी ए का जो लाभ है 2011 के अंदर 20% है, 2012 के अंदर 35% है, 45% है, 40 है और 25% है, ये लाभ है कंपनी ए का 2011, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके दिखाया है। और कंपनी बी है दे रखा 30%, 40%, 35%, 50% और 35%। वर्ष दिया 11, 12, 13, 14, 15। पहले आप जब भी क्वेश्चन बनाना तो जो भी टेबल हो तो टेबल या फिर पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, उसको ना ढंग से आप पढ़ लेना कि क्वेश्चन मतलब क्या क्या है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है या क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आप एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रतिशतता देखिए, परसेंटेज दे रखा है 20 ए का 2011 में, 2011 के अंदर बी का जो परसेंट है वो 30 दिया, तो यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल बात है। यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन ये नहीं हुआ 2013 में। देखो कंपनी ए की जो प्रतिशतता है ना वो ज़्यादा है और कंपनी बी का प्रतिशतता है कम है, तो पूछ रहा था कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत से कम है। बस क्वेश्चन यही पूछा था कि किस वर्ष कम है, तो आप देख लो टेबल में कि किस वर्ष कम है, तो आप देखोगे कि 2013 में कम है, तो उसे टिक करना था 2013 में कम है, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, इतना आसान था आपका। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखो, ये बात अभी बताते हैं, पहले ये देख लो कंपनी बी का औसत प्रतिशतता कितना है, औसत बताना है कंपनी बी का। तो औसत ये तो मैंने पहले भी बताया है, औसत निकालना है, तो सम ऑफ टोटल डिजिट बटा टोटल डिजिट, मतलब जो नंबर है वो। अच्छा एवरेज निकालना है हमें, बस नॉर्मल सी बात है, एवरेज निकालना है। और किस में, किसका, तो कंपनी बी का। देखो कंपनी बी का, या पूछेगा कंपनी ए का बताइए या बी का बताइए, ये तो आपका क्वेश्चन आया वही बता रहा हूँ मैं, कंपनी बी का पूछा है।
तो कंपनी बी का परसेंट देख लो आप, ये दे रखा है परसेंट। तो चाहो तो आप पेपर में इधर ऐड कर लेना टोटल, इसको भी ऐड कर लेना डिमांड हो तो, नहीं तो छोड़ देना। तो देखो आप औसत निकालना है, तो 30 है 2011 में, 2012 में कितना है आप देखो, 2012 में दे रखा है 40, तो 40 लिख दो प्लस 2013 में देखो 35 लिखो प्लस 2014 में कितना है 50, तो 50 लिख दो प्लस 2015 में 35 लिख दो। टोटल कितना वर्ष है, कितना ईयर है काउंट करो, या कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो आप 5 से डिवाइड कर दो भाई, लो आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 70, ये भी हो गया 70, 140 प्लस 50 बाई 5 190 अपॉन में 5। ठीक है, अच्छा अगर आपको काटना है इसे, डिवाइड करना है, तो आप पता है क्या करो, ये जीरो दे रखा ना, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 90 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया, इसको 2 से तो काटना आसान होता है ना, 38% होगा। कह रहा था कि कंपनी बी का औसत प्रतिशत कितना होगा, तो आप देख लो कितना होगा, 38% होगा। आसान है ना क्वेश्चन, बहुत आसान आया आपका। तो किस में है, सी में है, सी को टिक कर दो आप, 38% कंपनी बी का एवरेज आ गया। चलो ये बात आप समझ गए होंगे, देखो चलो देखो ये तो आप आराम से समझ गए होंगे, एवरेज निकालना था कि कंपनी बी का औसत प्रतिशत तक कितना है, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में ही पूछा है आपसे ऑप्शन, तो सबका सम कर लेना बस ख़त्म, जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दो आप, नॉर्मल सी बात है। अच्छा देखो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि कंपनी ए का औसत प्रतिशत ज्ञात करें, कंपनी ए का औसत प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से कंपनी ए को ऐसे लिखेंगे, औसत इजकल टू सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग, तो फिर से इसको ऐड करना है ए का, कंपनी ए पूछे तो टोटल ए है ये, कंपनी बी पूछे तो ये टोटल बी है, तो सबको ऐड करना, कितना है 20 है प्लस 35 है प्लस 45 है प्लस 50 है प्लस 25 है, सबको ऐड कर लो आप फिर से, और सबको ऐड करके किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 नंबर है 1 2 3 4 5, बस जो आएगा आंसर होगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा मैं बताता हूँ, इस दोनों कंपनी ए का एवरेज और कंपनी बी का एवरेज का जो एवरेज आया दोनों का, कंपनी ए का एवरेज और कंपनी बी का एवरेज, उसका डिफरेंस बताइए आप। तो कंपनी ए का एवरेज निकाल लेंगे, कंपनी बी का एवरेज निकाल लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, या तो आपसे ये पूछेगा या तो आपसे ये पूछ सकता है कि कंपनी ए का औसत कंपनी बी की औसत से कितना अधिक है या कितना कम है। ठीक है, अधिक या कम, तो उस टाइम भी डिफरेंस निकाल लेंगे, उस टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे, योग पूछे तो योग, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस, बस। ठीक है, चलो ये बात आप समझ गए होंगे। देखो ये जो मैं बात लिखा हूँ यहाँ पे, देखो आप ये दिख रहा होगा आपको, ये आपका बुक में ही दिया था, जो क्वेश्चन पेपर था क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा था, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था पीछे वाली वीडियो में, अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखें तो एक बार आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख ले। देखो मैंने आपको बताया था, चलो इसे मिटा देता हूँ, देखो देखो समझना, क्वेश्चन ये है कि दे रखा है कि
प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, ये तो दे रखा था पहले से ही। देखो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू होता है आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई कितना 100। ये तो क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है आपका ये, ठीक है। तो देखो मेरी बात समझना, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था आपको कि जैसे प्रॉफिट दे रखा है, जैसे ए का, कंपनी ए का लिख रहा हूँ 2011 में, ये परसेंट में दे रखा है, प्रतिशत में 20%। अगर आप इसे फ्रैक्शन में करोगे तो कितना लिखोगे, 20/100, इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको काट दो, 1/5, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि परसेंट प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लिए फ्रैक्शन में। अच्छा देखना, ये होता है जो व्यय होता है, ठीक है, खर्च व्यय। अगर लाभ है तो ये लाभ होगा, अगर लाभ है अब व्यय ये दिया है, तो अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो आएगा आपका 6/5, ये तो व्यय रहेगा, ये आय आएगा, आय। ये मैंने पहले भी बताया है कि देखो आय बटा व्यय, इसका ये फॉर्मेट होता है 120/100 ऐसे, ठीक है। इसको काटोगे तो वही आएगा आपका 6/5। तो ये तो आपका व्यय हो गया, ये आपका आय हो गया। यहाँ भी मैं वही दिखाया हूँ कि ये तो आय हो गया, ये व्यय हो गया। तो जो डिनोमिनेटर में होगा ना वो हमेशा व्यय होगा, और जो आप ऐड करके लाओगे ना वो आपका आय होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। तो इससे इस पे एक क्वेश्चन आया है, ये आपका ये क्वेश्चन, तो एक बार आप देखिए समझिए फिर बनाइएगा। इस सब क्वेश्चन को आप खुद उड़ा दोगे, आप देखते चलो। देखो कह रहा है कि यदि दो कंपनियों का कुल व्यय वर्ष 2012 में 9 लाख रुपया ये था, वर्ष 2012 में दो कंपनियों का व्यय दे रखा है, व्यय मतलब खर्च 9 लाख इतना था, ठीक है। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन में 2012 के अंदर व्यय दिया है 9 लाख 9 लाख, ठीक है। और दे रखा ए तथा बी के व्यय का अनुपात इतना है, अनुपात दे रखा है व्यय का अनुपात। देखो यहाँ भी व्यय दिया, उसका रेशियो भी व्यय ही दिया, तब टेंशन नहीं है। अगर यहाँ आय देता, यहाँ व्यय देता, ये कुल वैल्यू अगर सपोज दैट व्यय की जगह आय होता तब टेंशन था। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होगा। फिर ये रेशियो दिया है किस में, ये रेशियो दे रखा है व्यय में। अगर क्वेश्चन में आय दिया रहता टोटल वैल्यू तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे तो कंपैरिजन करना बहुत आसान है, कर लो। देखो ए तथा बी का व्यय, ए तथा वी का व्यय का अनुपात, ये तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है अनुपात, ये लिखना नहीं बस समझा रहा हूँ मैं, आप वहाँ डायरेक्ट ही बनाना। आप देखो यहाँ पे अनुपात दे रखा है 2:1, ये दे रखा है किसका किसका, ए है ये और ये बी का, व्यय का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में। अब पढ़ोगे तो देखो ए तथा बी के व्यय का अनुपात 2:1 था, तो 2:1 लिख दिया मैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि कुल का कंपैरिजन हमेशा कुल से होता है, ठीक है। अगर लाभ पूछे तो लाभ का जो कंपैरिजन होगा लाभ से होगा, कुल का कंपैरिजन कुल से होगा, व्यय का जो कंपैरिजन होगा वो व्यय से ही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कि व्यय ही टोटल वैल्यू दे रखा है, अब व्यय का रेशियो ही दे रखा है, तब तो बनाना आसान है, ठीक है। देखो आप कुल व्यय इतना दे रखा है, और दोनों ए तथा बी का दोनों का व्यय इतना दे रखा है, तब यहाँ पे लिखो 9, कुल का कंपैरिजन कुल से होगा, दोनों कंपनियों का
व्यय इतना लाख है, दोनों कंपनियों का अनुपात 2:3 है, 2:1 है, तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितना है आप देखो, ऐड करो 3, तो 3 से गुणा करेंगे, माफ़ करिएगा डिवाइड करेंगे, और आपको चाहिए अलग अलग वैल्यू, तो 2,1, ठीक है, ये ए का निकलेगा, ये बी का निकलेगा, क्या निकलेगा, ये व्यय निकलेगा, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये आएगा 6, ए का आ गया, और बी का कितना आएगा, इससे गुणा कर लो 3, यानी जो ए का व्यय होगा 6 लाख और बी का व्यय होगा वो 3 लाख। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत आपको। मैंने क्या किया कि टोटल जो वैल्यू दे रखा है 9 लाख, यहाँ पे रेशियो का कुल वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो टोटल जो कंपेरिजन करेंगे टोटल से करेंगे, तो 9 लाख दे रहा तो 3 यहाँ सम करोगे तो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड करो, ठीक है, ये रेशियो मैंने लिख दिया ए का और ये बी का, ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 6 लिख दिया, 3 1 3 3 लिख दिया, यानी ए का जो व्यय है वो 6 लाख है, 6 लाख है, अब बी का व्यय कितना है, 3 लाख है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा था कि ए का व्यय बताइए, बी का व्यय बताइए, ये पूछा ही नहीं, हमसे पूछा कि ए की आय क्या है, फाइंड द इनकम किसका, ए का, ठीक है, ए का हमें इनकम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। अगर हमसे पूछता कि ए की व्यय बताओ तो मैं बता देता कितना, 6 लाख बता देता, या बी का व्यय बताओ तो मैं बता देता 3 लाख, ए का पूछता तो भी बता देते, बी का पूछता तो भी बताया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा था कि आप हमको बताओ कि ए की आय क्या है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया, ए की आय पूछा, यहाँ क्या दिया, यहाँ रेशियो दिया दोनों व्यय का, और कुल वैल्यू दिया दोनों कंपनियों का व्यय वो दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा ए की आय बताओ, कोई बात नहीं, ए की आय पूछा ना, तो अब देखो ए का प्रतिशत देखो 2012 देखो यहाँ पे 2012 में ए का परसेंट देखो कितना है, 30% है, ठीक है, तो आप पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, 30% को फ्रैक्शन कर लो, आप फ्रैक्शन में 35% लिखा है, 35/100 कर लिया, ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 7×5=35, ये हो जाएगा आपका 20। ये तो व्यय होता है, हम लोग पढ़े भी हैं कि डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमेशा व्यय होता है, ये तो व्यय हुआ, ये क्या आया, ये मेरा आया प्रॉफिट, लाभ। अच्छा अगर इस दोनों को हम सम करते थे तो क्या आता था, इनकम आता था, तो इनकम यहाँ पे सम करोगे आप तो 20+7 तो आएगा 27, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 27, ठीक है, चौंकना नहीं कि ये कैसे लिख दिया, मैं इस दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 27, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो देखो व्यय का तो कंपेरिजन व्यय से तो कर सकते हैं ना, तो ये इतना लाख है ना, 6 लाख, ए की व्यय पता लगा लिया 6 लाख है, तो व्यय का कंपेरिजन तो व्यय से कर लेंगे, तो मैं कहाँ लिखूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ए की व्यय कितना आया, 6 लाख, इतना लाख, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने क्या किया, इसे आप लिख लिए होंगे, देखो ए की व्यय मैंने निकाला हूँ कितना, 6 लाख, तो फिर इसके बाद मैं बताया था कि वर्ष 2012 में ए का प्रतिशत लाभ कितना है, तो 35% लिखा था। अच्छा मैंने ए का ही क्यों लिया, ए का मैंने इसलिए लिया कि हमें ए की आय पूछा है, 35% / 100 करेंगे, तो इसे डिवाइड करो, ये 7 होगा, ये 20 होगा, ठीक है, तो ये अब ये तो लाभ हो गया, 7/20, ये तो लाभ हो गया, ये व्यय हो गया, लाभ हो गया, तो आप इसमें इसका ऐड कर दो, 27/20, ये आपका हो गया व्यय, ये हो गया आपका आय, इनकम, ठीक है। अच्छा व्यय का कंपेरिजन तो व्यय से करेंगे ना, तो व्यय कितना है मेरा, 6 लाख/20, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इनकम, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका ए की
इनकम आय वर्ष 2012 में। आसान है ना क्वेश्चन। तो देखो इससे डिवाइड करो 10 टाइम, इससे डिवाइड करो 3 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा और ये आएगा 6 और 8 भाई 2 जो कैरी बचा था इसमें ऐड कर दिया, आएगा 8.1 जो भी ऑप्शन है इतना लाख आएगा। पूछा था कि ए की इनकम बताइए 2012 में तो कितना है 8 लाख। अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन को घुमा घुमा कर बताया ना, पता है ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, 2 सेकंड कम बोले 20 सेकंड। चलो देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये हो गया, देखो फिर समझ लेते हैं। 9 लाख रुपया दे रखा है ए तथा बी का कुल कंपनी का व्यय 2012 में, 9 लाख लिख दो। रेशियो भी सेम ही दे रखा है तो 3 लिख दो, और ए और बी का रेशियो दे रखा था इतना व्यय का, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये 6 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यानी ए का जो व्यय होगा 6 लाख होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और ए का 2012 में जो लाभ परसेंट दे रखा है प्रॉफिट वो दे रखा है 35%, 35/100। ठीक है, ये 20 ये 7। ठीक है, अब इसको इससे ऐड कर दो 27/20, ये आपका व्यय होता है ये आपको प्रॉफिट होता है, व्यय का कंपेरिजन व्यय से करेंगे तो 6 का कंपेरिजन 20 से, और 27 ये आपका आय है तो आय इज इक्वल टू होगा 27। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 से काट दो 10, इसे मल्टीप्लाई करो 81/10 यानी 8.1 लाख, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तब तक अब रुकिए।